नवलगढ़ शहर के वार्ड नंबर 21 व 30 में लोग पीने के पानी को लेकर परेशान हैं। गुरुवार को वार्ड के लोगों ने बताया कि पिछले एक साल से ज़्यादा वक्त से पानी की समस्या चल रही है। इस बारे में जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया, लेकिन अधिकारियों ने वार्ड की सुध नहीं ली। लोगों ने इसकी शिकायत विधायक डॉक्टर आसमा शर्मा से की, जिस पर जलदाय विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लोगों ने टीम को खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों ने बताया कि वार्ड नंबर 21 व 30 में 70 से 80 घरों में सुबह के समय मात्र 10 मिनट ही पानी आता है। अब गर्मियों में पानी की ज़्यादा समस्या हो रही है। वार्डवासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 30 में ट्यूबवेल लगा हुआ है, ट्यूबवेल का पानी हमारी तरफ नहीं आता है। पानी की सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन डाली गई वो भी सही तरीके से नहीं डाली गई है। जलदाय विभाग की टीम ने आश्वासन दिया है कि 3-4 रोज में पेयजल की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। मैं वार्ड नंबर 30 से खड़ा हूँ, ये सलीम जी गोमा का वार्ड लगता है। इसके अंदर समस्या साहब ये 15 दिन से हो रही है। ये ट्यूबवेल पास होनी थी यहाँ पे, इस ट्यूबवेल को उठा के ले गए श्रीमान चेयरमैन जी अपने घर के पास, और एक ट्यूबवेल यहाँ होनी थी पास, वो चली गई, वो इसाक जी उधर वो साइज में चली गई, और हम तो रह गए नंगे साहब। तो मेरा श्रीमान जी महोदय से ये रिक्वेस्ट है, क्या तो इसका समस्या का हल निकाले या फिर कुछ ना कुछ करो। और चेयरमैन जी को सबको मैंने कह चुका, लास्ट के अंदर मैंने आप लोगों को इतला दी, अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं कल वीरपाल जी को मटका भरना पड़ेगा और अपने बीजेपी के जितने भी सदस्य उनको बुला के यहाँ पे लाऊंगा साहब। तो ये 15 दिन पहले पानी जो आता था तो जी 15-20 दिन की पहले की बात नहीं, ये तो एक साल से ये प्रॉब्लम चल रही है सर। उससे पहले तो सही सर, जब से जो टंकी बनी है ना, जब से हाल बेकार है। और हालांकि जो ये जो ट्यूबवेल जो चेयरमैन जी के पास बन रही थी वो यहाँ पे होनी थी, लेकिन जिसका पावर है वो उसको उठा के ले गए। तो वैसे पानी है, पहले से पानी है। अभी कितने दिनों से समस्या आ रही है पानी जो? एक साल से है, लेकिन गर्मी में अधिकतर ज्यादा समस्या हो रही है। कितना पानी आता है लगभग? मतलब 5-6 मिनट पानी, 5-6 मिनट पानी आता है, मतलब 2-10 बाल्टी आती है। तो आप 1.5 साल से किसी को सूचना दी या फिर क्या क्या एप्लीकेशन भी हमने दे दी? और सर्दियों के अंदर तो क्या गुजारा चल जाता सर, लेकिन गर्मी के अंदर मान लो कि नहाना धोना, फिर ये सीवरेज आ गई, सीवरेज के अंदर तो पानी भी ज्यादा लगता है, पानी आता है वो भी स्लो स्पीड से। तो ये सुबह आता है या शाम? दोनों टाइम सुबह सुबह मॉर्निंग में, वो भी कितने बजे? 6 बजे। लोग गर्मी में सोते लेट है और उठते लेट है, पानी के बगैर रह जाते हैं अक्सर, यही हाल होता है। तो जैसे थोड़ा पानी आता तो फुल आता है या फिर थोड़ा नहीं, नहीं स्लो आता है भाई, एकदम स्लो आता है। डेढ़ साल क्या जी को मालूम है, ये लोग सुबह सुबह के अंदर हमारे घरों के सामने आके पानी ने चेक किया इधर, तो भी पानी का प्रेशर नहीं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है पानी का, अभी तक कोई समाधान नहीं। कोई 1.5 साल होगी, ये तो ट्यूबवेल लगी थी तो हमने सलीम जी को क्या कहा, ये ट्यूबवेल मेरा प्लाट के अंदर लगी, तो मेरा प्लाट है ऊंचा उठा, मैं बोला ठीक है मैं आपको 10 फुट जगह दे देगा और तुम इसमें लगा दो। तो उसने क्या किया, उधर वो नीचे वाले प्लाट के अंदर दे दिया, क्या 200 किलोमीटर दूर। अभी ये समस्या देखने के लिए आए तो क्या कहा इन्होंने? अभी इन लोगों ने कहा कि हम 2 दिन में कुछ करेंगे, मेरा देखो 2 दिन में वादा किया है। जो ये कथा कर रहा है परेशानी आ रही है पानी की, लगभग 50 घर ही, तो एक गली में 50 घर लगभग है, गली में कम से कम भी तो है 10 और 10-20 और 10-40 घर है। समस्या की ये कानपुर मठ का ट्यूबवेल है, इनका पानी एक 2-3 जो गलियां हैं उनमें हाइट का इशू है, तो उनके कारण में हाइट के कारण पानी ऊपर चढ़ नहीं पा रहा, और एक 2 टी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो टी खुद आगे देखेंगे और 4-5 दिन में इनका समाधान करेंगे। और एक ट्यूबवेल है उसकी भी लाइन जोड़ेंगे, तो फिर उसके कारण 5-6 दिन में इनका समाधान किया जाएगा।